विद्या प्रसारक मंडल सावनेर द्वारा संचालित जवाहर कन्या कला वाणिज्य एवं विज्ञान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सावनेर में करियर मार्गदर्शन मेला एवं प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन मेले का आयोजन सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 2 जून 2024 को जवाहर कन्या कला वाणिज्य एवं विज्ञान उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय सावनेर में कैरियर मार्गदर्शन मेला एवं प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनिल मस्के उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उद्घाटन किया गया। रामेश्वर बुर्डे पूर्व मुख्य शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया एवं बिजनेस मेंटर डॉक्टर महेंद्र गजबीय माध्यमिक शिक्षा अधिकारी जिला परिषद गोंदिया श्री राम पांडे IIT खड़गपुर JEE NEET शाखा प्रमुख नारायण कोचिंग नागपुर राजू पाटिल पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी अधिकारी विद्या प्रसारक मंडल विजय राव डहाके सचिव नरेंद्र डहाके मदन राव डहाके प्राचार्य जवाहर विद्यालय वाकोड़ी पर्यवेक्षक राजू बंबल संस्था के सदस्य वीना डहाके यशपाल डहाके राहुल डहाके एवं सोनाली जीवतोड़े आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 10वीं के स्नातक तक से लगभग 250 छात्रों ने नामांकन किया और 200 छात्रों ने भाग लिया। पंजीकरण जवाहर कन्या कला वाणिज्य और विज्ञान उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय के संकल्प द्वारा किया गया। कार्यक्रम में माता पिता स्कूल कॉलेज के शिक्षक और प्राचार्य भी शामिल हुए। परियोजना का उद्घाटन अनिल मस्के द्वारा किया गया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्र के जिला परिषद स्कूल में पढ़ाई करने वाले अनिल मस्के ने 2 प्रयासों में असफल होने के बाद फिर से प्रयास किया और तीसरे प्रयास में UPSC पास की। तब मुझे ज्ञात हुआ कि लगन और कठिन परिश्रम ही परमेश्वर है। वही रामेश्वर बुर्डे ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि अपना करियर अपनी इच्छानुसार तथा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार चुने तथा प्राप्त अंकों के प्रतिशत से संतुष्ट होकर अगला सफल कदम उठाते हुए। वही श्रीराम पांडे ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि JEE NEET परीक्षा की तैयारी करते समय उनसे पूछे गए प्रश्नों की संख्या में और माननीय रहते हुए पूछे गए प्रश्नों की संख्या के बीच संबंध खोजने का प्रयास करें। डॉक्टर महेंद्र गजबीय ने मार्गदर्शन किया, जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त करें जिससे आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए और परीक्षा की तैयारी करते समय योजना बनाना आवश्यक है। राजू पाटिल ने NDE की तैयारी और योजना पर मार्गदर्शन दिया। परियोजना के परिचय में मदन डहाके ने विद्या प्रसारक मंडल सावनेर के कार्यों और संस्था द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों और उसके फल पर टिप्पणी की और इस कार्यक्रम की आवश्यकता और महत्व के बारे में मार्गदर्शन करते हुए आगे आने की बात कही। डॉक्टर राहुल डहाके डॉक्टर छात्रों के महेंद्र गजबीय की सामाजिक गतिविधियों से परिचित कराया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रश्न उठाए और अतिथियों ने समस्याओं का समाधान किया। संचालन मिलिंद देशमुख ने किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के साथ हुआ। बऱ्यापैकी त्यांना 95%, 92%, 90% असे मार्क्स होते। सो त्यामुळे ते लोकांचं ॲडमिशन तिकडे झालं। मला असं वाटलं की आपलं ॲडमिशन नाही झालं म्हणून मी वाटलं म्हणून मला त्यावेळेस औरंगाबाद आता छत्रपती संभाजीनगरचे आहे तिथे कुठेतरी ॲडमिशन एखाद्या कॉलेजला माझं करा आणि मी तिकडे काहीतरी अभ्यास नक्की करेल। सो म्हणून त्या वडिलांनी पूर्ण तर 30,000-35,000 रुपये कर्ज घेऊन त्या कर्जाच्या भरोशावरती मला अक्षरशः छत्रपती संभाजीनगरला पाठवलं। BCN News के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।